जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। एक बात मेरी समझ नहीं आ रही कि कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी अखबार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों को लेकर यह सवाल क्यों नहीं कर रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं या नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भी एक जमाने में कांग्रेस को झटका लगता था तब पार्टी के तमाम नेता इस जुगत में लग जाते थे कि किसी तरह से 10 जनपद को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना है, सोनिया गांधी को बचाना है और किसी तरह से दोष उन पर ना आए। मगर मीडिया सवाल जरूर करता था। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर घिसट घिसट कर आपको बहुमत मिल गया, हरियाणा में तो चलिए आपको बहुमत भी नहीं मिला, मगर कोई सवाल मीडिया की तरफ से नहीं किया जा रहा कि आखिर यह सवाल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह से क्यों ना करें कि यह दोष उनका है, कमजोर प्रदर्शन जो किया है बीजेपी में उसमें योगदान इन दोनों शख्सियतों का। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इन दोनों नेताओं ने दावा किया था कि देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 5 साल का सुशासन दिया है और न सिर्फ 5 साल का सुशासन दिया है बल्कि धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम मुद्दे बहुत बुरी तरह से हावी थे चुनावों के दौरान। और ये दोनों कॉम्बिनेशन और साथ ही जिस तरह से आपको मीडिया का साथ मिल रहा था, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल्स में सुपड़ा साफ बता दिया गया था विपक्ष का, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, तो एक तरफ तो राष्ट्रवादी मुद्दों का साथ, दूसरी तरफ आपका यह दावा कि सुशासन दिया है हमें मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस ने, इसके अलावा मीडिया का साथ। और मीडिया के अलावा आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किस तरह से कड़ी कार्रवाई की थी इस शख्स शरद पवार के खिलाफ, उसी तरह से एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जा रही थी। तो आपके साथ तमाम एजेंसीज थे, बावजूद इसके आप घुटनों के बल आ गए, इस कदर घुटनों के बल आ गए कि अब आपको इस शख्स गोपाल कांडा, जिस पर आरोप था एक नहीं दो औरतों की मौत का, जी हां गीतिका शर्मा वो एयर होस्टेस MDLR एयरलाइंस की जो कि गोपाल कांडा की एयरलाइंस थी, उस एयर होस्टेस की आत्महत्या के पीछे इस शख्स का हाथ बताया जा रहा था, मुकदमा चला था। और 2012 में इस खबर के मुताबिक थक हार कर उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। आज भारतीय जनता पार्टी इस शख्स का समर्थन लेने के लिए इसे भेजती है चार्टर्ड विमान। गौर कीजिए क्या कह रहे हैं इनके भाई गोविंद कांडा, जो कि भाई हैं गोपाल कांडा के, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एयरक्राफ्ट भेजा है मेरे भाई गोपाल कांडा के लिए, रणजीत चौटाला के लिए, और अब हम दिल्ली जा रहे हैं जहां हम अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, यह हमारी घर वापसी है। हमारे स्वर्गीय पिता भी आरएसएस के सदस्य थे 1926 में और 1952 में आरएसएस द्वारा समर्थित एक पार्टी सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि गोपाल कांडा की जो ताल्लुकात हैं वो आरएसएस से भी चले आ रहे हैं। आज मैं ये जानना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां गया भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, नहीं, मैं उस गलत फहमी में नहीं हूं जैसे कुछ पत्रकार हैं आज की तारीख में। मैं आज ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की देखरेख के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे घातक पार्टी है महिला सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि इसी राज्य में, इसी हरियाणा में जब इस बलात्कारी को सजा मिली थी राम रहीम को, तब जब उसे सजा मिली थी तो ये दो मंत्री खट्टर सरकार के, रामविलास शर्मा अनिल विज, नतमस्तक थे।
पूरी खट्टर सरकार नतमस्तक थी इस बलात्कारी के सामने। पूरा ड्रामा आपको याद होगा पंचकुला में हुआ था, गोलियां चलानी पड़ी थी उस वक्त पुलिस को, क्योंकि राम रहीम के तमाम समर्थक जो है मैदान पे उतर आए थे। और तब आपको याद होगा कि यह शख्स सांसद साक्षी महाराज ने पीड़िता को गाली दी थी, 20 साल की सजा मिल गई थी। राम रहीम सिर्फ आरोपी नहीं था, उसे सजा मिल गई थी। तब इस शख्स साक्षी महाराज ने कहा था कि उन पीड़िताओं की बात का कौन विश्वास करे, हम उनका विश्वास करें या उन करोड़ों लोगों, उन करोड़ों भक्तों का विश्वास करें जिनका राम रहीम में अटूट विश्वास है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आज की तारीख में गोपाल कांडा को चार्टर्ड विमान भेजा गया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां गया बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि महिला सुरक्षा के लिए यह पार्टी सबसे ज्यादा घातक है। और अगर उसके दोहरे मापदंड आपको समझने हैं तो आपको यह वीडियो देखना होगा दोस्तों, ये तस्वीरें देखनी होंगी। इस तस्वीरों में देखिए उस वक्त के बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुलाकात कर रहे हैं गीतिका के परिवार से, जब गीतिका ने आत्महत्या कर ली थी, जब उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ 6-7 साल पहले की बात है, 2012 की। यहां पर आप विजेंद्र गुप्ता को देख सकते हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा फरीदाबाद से, कहीं और से नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद जो इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं किशन पाल गुर्जर ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा था गोपाल कांडा के बारे में, सुनिए। कि हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और उसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि एक ऐसा गंभीर मामला है जिसमें सीधे जिस पर हरियाणा की जनता की सुरक्षा की हाथ की गारंटी थी और उनके खुद के हाथ ही खून से रंग जाएं, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश सरकार की और प्रदेश के लोगों की हो नहीं सकती। आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हम क्यों ना माने और क्यों ना सवाल करें इस मुद्दे को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री से या गृहमंत्री अमित शाह से। खैर आप सवाल करते रहिए, जवाब आपको नहीं मिलेंगे। हम उस देश में रह रहे हैं जहां जवाब आपको नहीं मिलेंगे। रौंदा जा रहा है हमारे सोचने की क्षमता को, रौंदा जा रहा है हमारी संवेदनाओं को, रौंदा जा रहा है हमारे विश्वास को और हमारे सोचने के तरीके को, हमारे रहने के तरीके को। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों मेरा यह भी मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के जो नतीजे हैं वो एरोगेंस या अहंकार का हार है। आपको याद होगा महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में देवेंद्र फडणवीस और गृहमंत्री अमित शाह क्या कहा करते थे, वो लोग शरद पवार का मजाक उड़ाकर कहा करते थे कि एक ऐसा वक्त आएगा जब एनसीपी के अंदर अकेले शरद पवार ही खड़े रह जाएंगे। जी हां, याद है आपको वो बयान, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में एनसीपी के नेता खरीदे गए और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं दोस्तों, सतारा से उदयन भोसले, ये शख्स जो कि महाराज शिवाजी का वंशज बताए जाते हैं, ये शख्स जो एनसीपी से सांसद थे, इन्होंने एनसीपी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावों के साथ साथ सतारा के लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे, मगर जनता ने ऐसा करारा तमाचा मारा कि उदयन भोसले चुनाव हार गए। और जिस शरद पवार का मजाक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस उड़ा रहे थे, वही शरद पवार अकेले बारिश में भीगते हुए, जिसे तुमने ईडी का डर बताया था, वो अकेला खड़ा रहा और उसने तुम्हें 200 क्या 150 पहुंचने में तुम्हारे पसीने निकलवा दिए। यह होता है एक क्षेत्रीय क्षत्रप की ताकत, न सिर्फ शरद पवार बल्कि यह बूढ़ा शेर भी जिसका नाम भूपेंद्र हुड्डा है। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे मीडिया हो, चाहे एजेंसीज हो या फिर राष्ट्रवाद का हवा हो, यह सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, मगर सबसे बड़ी बात कांग्रेस कोमा में चली गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में कब आए थे, सितंबर में आए थे, क्योंकि चुनावों के वोटिंग तक
कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्कलह चल रहा था, अशोक तंवर वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा। खुद मीडिया के चलते कांग्रेस के नेता यह मान रहे थे कि शायद हमें 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, मगर यह शख्स भूपेंद्र हुड्डा आखिरी मौके तक, और इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो है आखिरी मौके तक कहते रहे कि नहीं, हम हरियाणा में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। मैं जानता हूं दोस्तों कि जो जीता वही सिकंदर, जो सरकार बना लेगा वही विजेता माना जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल यह कि वो सरकार बनाने के लिए आपको अपनी नाक किस तरह से घसीटनी पड़ी, आपको किन लोगों का सहारा लेना पड़ा, मुद्दा वो है। तो जैसे मैंने बताया ना, हरियाणा में पूरी तरह से कोमा में कांग्रेस थी। न सिर्फ हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी मैदान में ही नहीं उतरे कांग्रेस के नेता। ये जो माननीय हैं राहुल गांधी जी, मैदान में कब उतरे? मैं बोलना चाहता हूं इन लोगों से, कृपया डिप्रेशन से बाहर निकलिए आप लोग, क्योंकि सियासत कोई मजाक नहीं है। जब आप सियासत को मजाक बना देते हैं तो आप लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी करते हैं। कांग्रेस मैदान में नहीं उतरी, बावजूद इसके आप जानते हैं कांग्रेस को 31 सीटें मिली हरियाणा में, और महाराष्ट्र में भी आप 50 के पास पहुंच गए। कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस ने दमखम लगाकर चुनाव लड़ा होता, अगर एक प्लान के साथ चुनाव लड़ा होता, भूल जाइए कि अगर आपको मीडिया का साथ नहीं है, भूल जाइए कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपको परेशान किए हुए, मगर अगर आप महज चुनावी कैंपेनिंग करते जैसा कि चुनावों में होता, तो आप जानते कि हरियाणा के नतीजे पूरी तरह से बदल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि आपको शहरों से वोट मिलते रहे, वो शहर के लोग जिनके लिए बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा नहीं है, उनके लिए कौन से मुद्दे हैं? धारा 370। और मैं धारा 370 का क्यों जिक्र कर रहा हूं दोस्तों? मैं धारा 370 का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि इन चुनावों में इसे धारा 370 का मुद्दा बनाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उनका यह बयान याद है आपको, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को और विपक्ष को कि अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 फिर से बहाल करने को लेकर वादा करें। आर्टिकल 370 का हरियाणा और महाराष्ट्र से क्या लेना देना है भाई? उसी तरह से आपने एनआरसी को मुद्दा बनाया, आप ये बोलते रहे कि साहब मुंबई के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है जहां पर तमाम जो अवैध ढंग से घुसे हैं मुंबई के अंदर उनको वहां पर डाला जाएगा, दूसरे देशों से आए जो अवैध ढंग से वहां रह रहे हैं। तो आपने हर किस्म का भौकाल वहां पर रचा, बावजूद इसके आप घिसटते हुए किसी तरह से सरकार बना पा रहे हैं। क्या आप इस हकीकत को नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, इन चुनावी नतीजों को लेकर जो एक अच्छी बात रही कि जो अहंकारी हैं या जो लोग दूसरों की तौहीन करते हैं उनकी हार हुई है। मैंने आपको उदयन भोसले का जिक्र किया, निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति जिन्होंने जंप लगाई मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इन पर गौर कीजिए, अल्पेश ठाकुर, इन्हें पूरे गाजे बाजे के साथ गुजरात में कांग्रेस ने शामिल किया था, मगर निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति इन्होंने जो है छलांग मार ली बीजेपी में। और जो उपचुनाव हुए गुजरात के अंदर, अपनी सीट से अल्पेश ठाकुर हार गए। और आपको याद होगा कि अल्पेश ठाकुर के बारे में यह आलोचना की जा रही थी कि इनका जो गुट है वो गुजरात के अंदर बसे बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमले करवा रहे थे, उन पर आक्रामक रवैया अपना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंगी थी और अल्पेश ठाकुर जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, मगर अब इन्हें अपनी इस अवसरवादिता की सजा मिली है। अब इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, दोनों भारत की शान क्योंकि दोनों ने भारत के लिए ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में मेडल दिलवाए हैं। इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। मैं इस पर खुशी क्यों जाहिर कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि चाहे बबीता फोगाट हो या योगेश्वर दत्त हो, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो आपको दूसरों को गाली देने की क्या जरूरत है। इन दोनों ने ही जो लोग बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तानी बताते हैं, उन्हें देशद्रोही बता रहे थे ये दोनों।
मुझे खुशी इस बात की है कि देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने बता दिया कि कौन दरअसल देशभक्त है, कौन देशद्रोही है और उनकी पसंद क्या है। क्योंकि आपके स्टार पावर के बावजूद अगर आपको जीत नहीं मिली योगेश्वर जी या बबीता जी, तो आपको अपनी कथनी पर सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अब ये सोनाली फोगाट कोई टिकटॉक स्टार हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने एक रैली की थी बीजेपी की तरफ से, ये भी चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे और जब उन्हें वैसा उत्साह नहीं मिला तो वहां की जनता को उन्होंने पाकिस्तानी बता दिया था, जबकि वो एक ऐसा गांव था जिसने फौज में सबसे ज्यादा अपने जवान, अपने युवा भेजे थे। और अहंकार देखो इस शख्स का कि वो उस गांव में पहुंचकर कहती है कि क्या तुम लोग पाकिस्तानी हो कि तुम लोग भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे हो। मुझे खुशी है दोस्तों कि इस अहंकार को कुचला गया है इन चुनावों में। तो अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि इतने भौकाल के बावजूद, खासकर मीडिया ने जिस तरह से साथ दिया, एग्जिट पोल में इन्होंने तो 83 सीटें दे दी थी, फिर कोई 57 सीटें दे रहा था हरियाणा के अंदर। मेरे ख्याल से एक्सिस को छोड़ के तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं सभी सुपड़ा साफ बता रही थी, और न सिर्फ सुपड़ा साफ बता रही थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि न्यूज चैनल्स के एंकर्स पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिल जाए, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी। आज आपको अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए जिस तरह से नफरत दोहराव पैदा किया है एक अरसे से, और उस नफरत दोहराव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है, सब कुछ उनके पक्ष में था बावजूद इसके, और भूल जाइए सब कुछ उनके पक्ष में था, आपकी मुख्य विपक्षी दल वो घिसट रही थी, तब भी जनता ने बताया कि हम किस पर विश्वास करेंगे। मैं आशावादी हूं दोस्तों, मगर मैं जानता हूं कि ना भारतीय जनता पार्टी सुधरने वाली है महिलाओं को मिल रहे सम्मान को लेकर, ना ये गोदी मीडिया सुधरने वाली है, इनका नफरत इनका जहर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक किसी दिन ये खुद अपने जहर का शिकार नहीं हो जाते। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन कभी ना आए, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई जहर का शिकार होता है तो उसे किस यातना से गुजरना पड़ता है, आप तो नहीं समझेंगे। बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।